सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। तो गाइस, आपको ये चीज ऐसे पता होगी कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज आप लोग एक बार जो है प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं, उसमें हमने आपको सारा कुछ कंप्लीट करवा दिया। अब इसके बाद हमने स्टार्ट किया है केमिकल बॉन्डिंग। ये फोर्थ चैप्टर है हमारी बुक का जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये काफी मार्क्स कवर करता है, चाहे आपका एग्जाम बोर्ड का हो या फिर आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दो तो ये चैप्टर पूछा जाता है कि इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ये मेनली हमारा चैप्टर ऐसा है कि पूरा का पूरा थ्योरी पर ही डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? थ्योरी पर डिपेंड करता है। इसमें थ्योरी ज्यादा है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं 10-20%, बाकी सबका सब थ्योरी है। तो अगर हम इस चैप्टर को बेसिक से स्टार्ट करें तो आप लोग आसानी से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब अगर बेसिक टर्म्स स्टार्ट करें, बेसिक टर्म्स इन द सेंस की वो चीजें उनके पीछे के बारे में एकदम डेप्थ लेवल से स्टार्ट करें तो वो चीजें आपके लिए और भी आसान हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल को साइड में रखिए, पहले आप बॉन्डिंग को देखिए। बॉन्डिंग मतलब दो एटम के बीच में जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो लग रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसे बॉन्डिंग कहते हैं। मतलब बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पर आपको पता नहीं है, अगर हम ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग एग्जांपल है तो देखिए कार्बन कार्बन के दो चेन, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। चेन बनने में भी बॉन्ड लगता है, बॉन्ड लगता है, वो मैटर नहीं करता, वो सिंगल डबल या ट्रिपल एल्केन एल्काइन एल्केन कुछ भी, नो मैटर। मतलब दो एटम, दो एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड लगता है उसे जोड़ने के लिए, उसको चेन बनाने के लिए, एक साथ रखने के लिए जो बॉन्ड लगता है उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। मतलब दो केमिकल सब्सटेंस और या फिर दो केमिकल कंपाउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड लगता है उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन अपना एक दे रहा है तुरंत, जो हमारा क्लोरीन है वो एक ले रहा है, मतलब बॉन्ड बन गया ना दोनों के बीच में, दोनों ने आपस में ट्रांसफर शेयर करके एक साथ बॉन्ड बना लिया ना। अब उसके बाद देखिए हमारे कुछ टॉपिक हैं, कैसे टॉपिक जो कि इसमें पूछ जाते हैं। उसके पहले आपको पता होगा कि इस चैप्टर में घुमा फिरा के हर जगह तीन ही बातें हैं, कहीं इलेक्ट्रॉन है, कहीं प्रोटॉन है, कहीं न्यूट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है क्या, हमें ये पता होना चाहिए। देखिए गाइस, जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए हम आपको यहाँ पर एक बार चार्ट बना के बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये होता क्या है। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा प्रोटॉन है, ये हमारा न्यूट्रॉन है, तीन है। अब उसके बाद देखिए देखिए ये ट्रिक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में याद रखने के लिए, क्या है ई पर नाच। मतलब ई पर नाच का मतलब क्या है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द ग्रेट साइंटिस्ट थॉमसन, इनका पूरा नाम क्या है, जीजे थॉमसन। उसके बाद पर मतलब जो हमारा प्रोटॉन है इसको किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड सर डिस्कवर किया, रदरफोर्ड सर ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। उसके बाद देखिए हम लोगों को आता है न्यूट्रॉन, जिसको डिस्कवर किया चैडविक सर ने, एक पर नाच, इलेक्ट्रॉन बाय जेजे थॉमसन, प्रोटॉन बाय रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन बाय चैडविक। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इसको किसने डिस्कवर किया, जेजे थॉमसन सर ने, प्रोटॉन उसको किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड सर ने, और न्यूट्रॉन वो डिस्कवर्ड बाय चैडविक सर। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके अंदर कैसे चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, बिना किसी चार्ज का होता है। अब उसके बाद देखिए हमारे आते हैं कुछ टॉपिक, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज द बॉन्ड बिटवीन टू केमिकल सब्सटेंस या फिर दो केमिकल कंपाउंड या फिर दो केमिकल एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। जैसे कि HCl, MgCl टू NaCl, ये सब के बीच में जो बॉन्ड होता है, एक देकर एक लेने वाला, एक लेकर एक देने वाला,
ये जो दोनों मिलकर जो बॉन्डिंग बनाते हैं इसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, तो वो शेयरिंग करके बॉन्डिंग बनाएंगे या फिर वो ट्रांसफर करके बॉन्डिंग बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद आता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, देखिए ऑक्टेट रूल इज द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट इंटर इनटू द केमिकल सब्सटेंस अटेन कॉन्फिगरेशन। मतलब जैसे कि हमने किसी भी एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन किया, हमने Na का किया 281, अब इसको एक चाहिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं कंप्लीट, इसको एक चाहिए, तो ये जो एक उसको अटेन करेगा उससे हम कहते हैं इस ऑक्टेट रूल। मतलब ऑक्टेट रूल क्या कहते हैं, देखिए हमने किसी भी एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन किया, उसमें अगर हमने सोडियम का किया Na11, 281, इसको एक चाहिए, एक चाहिए मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब होता ऑक्टेट। और जब यही अप्लाई होता है जिसे कहते हैं ऑक्टेट रूल, बिकॉज ऑक्टेट रूल इज द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट। वेरियस एलिमेंट का ये एक एटम है जो कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में इंटर करता है, तो ये कॉन्फिगरेशन अटेन करता ही करता है, मतलब कॉन्फिगरेशन में ये अटेन करता है, इसे हम कहते हैं अपना ऑक्टेट रूल। देखिए ऑक्टेट एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। ऐसे आप सभी को पता है कि ऑक्टेट जो है केवल किसको, नोबल गैसेस को छोड़कर, मतलब नोबल गैसेस को छोड़कर बाकी सबको ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वो लेते हैं या फिर देते हैं, बस। अब आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हमारा आता है लैरिस सिंबल। लैरिस सिंबल क्या होता है, वैलेंस। आप लोग एकदम सिंपल से याद रखिए कि लैरिस होता है क्या। देखिए लैरिस जो हम लोग का होता है लैरिस सिंबल, ये मेनली हमारा वैलेंस जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है, वैलेंस सेल को ही हम लोग लैरिस सिंबल कहते हैं। इसके पीछे डेफिनेशन बहुत बड़ी है, टर्म्स बहुत है, लेकिन आपको सिर्फ याद रखने के लिए इतना ही याद रखिए लैरिस सिंबल जो होता है वैलेंस सेल होता है। कैसे, अगर हम किसी Na का निकाला 281 आया, अब देखिए Na पर एक ही एक्स्ट्रा, तो यही उसका वैलेंस सेल हो गया, क्योंकि एक इस पर एक। और वैलेंस सेल क्या होता है, जो लास्ट सेल होती है कॉन्फिगरेशन करने के बाद उसे वैलेंस सेल कहते हैं, या फिर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंसिंग करने में टू से क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया, बेसिक था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी देखिए बस, वैलेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब इसको आना चाहिए, डेफिनेशन डायरेक्टली नहीं पूछती लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए हम एक बार आपको लिख के बताते हैं कि वैलेंसी होती क्या है, क्योंकि ये पूछा ही पूछा जाता है। देखिए वैलेंसी इज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन रिक्वायर टू कंप्लीट ऑक्टेट। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिक्वायर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इज नोन एज वैलेंसी। मतलब अपने आउटर मोस्ट, अपने ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चाहिए होता है उसे ही हम वैलेंसी कहते हैं। कहते नहीं कि इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, Na की वैलेंसी इनकम्प्लीट, इसको एक चाहिए, और जब वो ट्रांसफर और शेयरिंग करता है तब कहीं ना कहीं उसका जाकर कंप्लीट होता है क्लोरीन के साथ। अब देखिए अब उसके बाद हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अगर हम किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी एलिमेंट को लेते हैं, हमने लिया जैसे कि अपने हाइड्रोजन को लिए, इसका क्या होता है वन होता है, वन होता है, तो इसको क्या, इसको एक चाहिए, तो इसको मेनली क्या, इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है। और जो किसी भी एलिमेंट का हम कॉन्फिगरेशन करेंगे, हमने Na का किया 281 और जिसका लास्ट है उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो लास्ट सेल होती है द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंस सेल एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, उसके बाद हमारा आता है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल उसे कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट का हमने कॉन्फिगरेशन किया, उसके बाद जो लास्ट सेल थी उसे हम वैलेंस सेल कहते हैं। अब उसके बाद देखिए केमिकल बॉन्डिंग के टाइप कितने होते हैं। देखिए
बेसिकली अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग के दो टाइप होते हैं, एक तरफ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, एक तरफ जो है हमारा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज द कंप्लीट शेयरिंग ऑफ क्या, देखिए एक तरफ हमारा क्या है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक तरफ है कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज द कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एंड कोवैलेंट बॉन्ड इज द कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। देखिए जो इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक दूसरा नाम होता है, ये जो होते हैं ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। उसी जगह जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वो पार्शियल शेयरिंग करते हैं, कंप्लीट शेयरिंग नहीं, पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। सॉरी हो कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो विद अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।